मोती मेन रूप तरीके से आठ प्रकार से पाए जाते हैं आइए इसे धारण करने के लाभ जानते हैं गजमुक्ता मान्यता है कि गजमुक्ता मोती हाथी के माथे से मिलता है इसका आकार आंवले के फ्रूट जितना मतलब इतना बड़ा मोती होता है इन सभी मोतियों में ये बेस्ट माना जाता है इतना बड़ा मोती होता है बेसिकली इसका नाम गज मोती मान्यता है कि ये जिसके पास होता है उसे जीवन में हर तरीके के सुख मिलते हैं कोई विघ्न कोई बाधा नहीं आती अब ये नेचुरल होने चाहिए ठीक है अगला मोती होता है शंख मुक्ता मान्यता है कि शंख मुक्ता मोती का समुद्र से उत्पन्न हुआ था ये पाचन्य नामक शंख से आता है ये ज्वार भाटे के समान अक्सर मिल जाता है ये एक एग के शेप में होता है ऐसे एक्लिप्टिकल और हल्का येलो होता है यहाँ ब्लू कलर का भी होता है मान्यता है कि ये मोती आपको बीमारियों से निजात दिलाता है अब एक होता है सर्प मुक्ता ये मोती जो है ये वासुकी जाति के सांप के सिर से होता है मतलब ये सांप से आता नहीं है बट जस्ट टू तो एक्सप्लेन इट टू यू मान्यता ये है कि ये जैसे जैसे सांप की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मोती का आकार बढ़ता है बेसिकली ये कहने का मतलब है कि मोती मोती एक्सपैंडिंग नेचर का होता है ये काफी मुश्किल से मिलता है लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये चमत्कारी होता है अब एक होता है मीन मुक्ता ये मुश्किल से मिखता है ये मछली के आसपास पाया जाता है कई बार फिश इसको खा भी लेती है फिर इसको काट के वो लोग निकालते हैं ये चेन के आकार में येलो कलर का होता है कहते हैं कि ये मोती इतनी मैग्नेटिज्म uh, लिए होता है कि अगर पानी के अंदर ले जाए तो पानी में रखी सारी चीजें जो है वो स्पष्ट नजर आने लगती इतना इसमें लाइट का इंपैक्ट होता है एक होता है मुक्ता। ये मोती बांस से मिलता है जो कि, कि किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होता है स्वाष्य और श्रवण नक्षत्र के दिन पहले वंश मुक्ता की ध्वनि उभरने लगती हैं नक्षत्र के समाप्त होने तक ये आवाज गूंजती रहती है जिस भी बांस में ये मोती होता है उसमें निकाल लिया जाता है इसे धारण पर सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है अगले तरीके का मोती है मेघमुक्ता इस मोती का जम जो है वो बादलों से होता है यानी कि उस समय पे मिलता है मान्यता ये है कि संडे के दिन पुष्य नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र में बारिश के दौरान इस तरह का मोती मिलता है ऐसा कहते हैं गिरता है बट मिलता है इस मोती का कलर बादलों के समान होता है यानी कि हल्का सा ग्रेइश होता है धारण करने पर लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती अगला मोती है शुकर मुक्ता मान्यता है कि ये मोती जो वराह श्रेणी के शुकर युवा आस्था में उसके मस्तिष्क से प्राप्त होता है शुकर मुक्ता कुछ येलोइश राउंडिश आकार का होता है सुंदर और चमकदार होता है ये सिद्धियों के लिए अच्छा माना जाता है किसी अच्छी प्रैक्टिस मंत्र जाप के लिए ये अच्छा माना जाता है मान्यता है कि इसको पहनने से मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है अगला है सीप मोती जो हम इजिली देखते हैं भले ही ये मोती मुश्किल ही बलता है लेकिन सीप से उत्पन्न होने वाला ये जो मोती है ये भारी मात्रा में पाया जाता है मेन रूप से ये आ, शेल्स के अंदर यानी कि फ्रेश जिसको पर्ल बोलते हैं वो भी होता है मान्यता है कि स्वाति नक्षत्र में जब पानी की बूंद सीप में गिरती है तो वो बूंद मोती का रूप ले लेता है इस पर चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव होता है ये मोती कई आकारों में मिलता है कई शेप में जिसको हम पर्ल बोलते हैं नेचुरल पर्ल। तो इस तरीके से आप नेचुरल पर्ल जब पहनते हैं तो आपको चंद्रमा का बेस्ट रिजल्ट मिलता है जिससे इमोशनली बैलेंस भी होते हैं आप.